नमस्कार, मैं श्रेया सुगंध और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर टुडे। अभी हम मौजूद हैं LJP के कार्यालय में और हमारे साथ मौजूद हैं रेणु कुशवाहा जी, जो कि पूर्व सांसद रही हैं। चलिए हम इनसे बात करते हैं कल के कार्यक्रम के बारे में कि कल क्या क्या किया जा रहा है, और ये हमें पूरी जानकारी देंगी। मैडम, कल क्या क्या हो रहा है हम लोगों को जरा बताइए। कल हमारे पार्टी के संस्थापक और देश के नेता श्रद्धे राम विलास पासवान जी की 75वीं जयंती है, और अगर वो जीवित होते तो आज हम लोग बहुत ही खुशी से उनकी जयंती मनाते, लेकिन अब चूंकि वो नहीं है तो इसलिए हम लोगों को उनसे आशीर्वाद लेना है। इसीलिए हमारे पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी कल आ रहे हैं, और एयरपोर्ट से होते हुए अब हाजीपुर, चूँकि हाजीपुर से उन्होंने 2 बार रिकॉर्ड मत से लोकसभा जाने का काम किया है, इसलिए हमने स्थल को हाजीपुर के सुल्तानपुर चुना है, और वहीं ही इनकी जयंती समारोह मनाई जाएगी आशीर्वाद यात्रा के रूप में। ये आशीर्वाद यात्रा में काफ़ी लोग उमड़ेंगे, तो इस तरह से कोरोना का काल चल रहा है तो ये खतरा का कारण बन सकता है। देखिए, कहीं भी जब ऐसे हम लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं, इसीलिए ना किसी को इनवाइट किए हैं ना कुछ किए, लेकिन लोग जान रहे हैं। तो अब जब मार्केट खुला है, मॉल खुला है, ऑफिस सब खुला हुआ है, तो लोग तो जा ही रहे हैं, तो कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए लोग स्वतः आएंगे और कोरोना गाइडलाइन का पूर्णतः पालन होगा, कहीं कोई परेशानी नहीं। जैसा स्वर्गीय राम विलास पासवान जी के क्षेत्र से आरंभ हो रहा है, तो उनके क्षेत्र में उनके चाहने वाले बहुत होंगे, तो उनके चाहने वाले तो ज़रूर आएंगे, उनको तो कोई रोकेगा नहीं, तो इस तरह से भीड़ तो ज़रूर आएगी, तो कैसे कंट्रोल किया जा सकेगा? अब भीड़ तो देखिए, सब भीड़ भी जान रही है कि हमको कोरोना गाइडलाइन का पालन करना है, इसलिए भीड़ स्वतः कंट्रोल में रहेगी, सब लोग आराम से करेंगे काम। तो ये भीड़ पर छोड़ दिया गया है कि वो खुद को कंट्रोल, भीड़ पर क्या, अब हम लोग तो सब देखिए, अभी तो जिस तरह से कोरोना आया सब लोग अपने आप में अलर्ट है, तो भीड़ पर छोड़ा नहीं, भीड़ भी अलर्ट है, वो भी अलर्ट हो के, लेकिन इतना श्रद्धा है, प्रेम है। और आप देखिए ना, सब्जी मंडी जाइए, मार्केट जाइए, हम पटना में देखें लोग मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं जब करना चाहिए, तो ये गाइडलाइन का पालन हम लोगों के तरफ से पूरी होगी। और कल LJP के तो काफ़ी सारे कार्यकर्ता भी रहेंगे, तो आप किस इस दौरान चिराग पासवान के चाचा जी इस आशीर्वाद रैली को बिल्कुल समर्थन नहीं दे रहे हैं, इस विषय में आप क्या कहेंगे? अब चाचा जब अलग हो गए हैं तो कैसे समर्थन देंगे, समर्थन देने का सवाल ही नहीं है, ये तो आशीर्वाद की बात है, तो चाचा को देना, चाचा के रूप में तो आशीर्वाद देंगे ही, नहीं देंगे कैसे, रिश्ता है। लेकिन उन्होंने जो पार्टी को तोड़ा है, इससे अभी नहीं, उनको बाद में पता लगेगा चाचा जी को कि कितना नुकसान अपनी पार्टी और अपने परिवार का किए, इसका आकलन वो बाद में उनको पता चलेगा। अच्छा, एक और खबर आ रही है कि राजद में कल स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की जयंती मनाई जाएगी, तो ये कोई अंदरूनी साठगांठ है कि समर्थन देने वाले हैं एक अलग तरीके से? देखिए, देश में मैं कहना चाहूँगी कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जहाँ से आए हैं, जिस मिट्टी से निकल के आए हैं, वो मिट्टी बहुत ही, मतलब उनके गांव जाने के लिए अलौली प्रखंड के सहरवन्नी गांव जाने के लिए 3 नदी को पार करना पड़ता था, और 3 नदी के पहला नदी पार किए तो पैदल चल के दूसरा नदी को पार करना, दूसरा नदी को पैदल चल के तीसरा नदी को पार करना, तब पैदल चल के, ऐसे मिट्टी से वो पैदा हुआ श्रद्धे राम विलास पासवान जी, ऐसे गुलाब हैं जो संसद के भवन तक पहुँचे हैं और करोड़ों करोड़ों लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं। इसीलिए जिस तरह जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती सारे देश मनाता है, पूरी तरह सारे देश मनाता है, उसी तरह स्वर्गीय रामविलास पासवान जी वो चिराग है, वो गुलाब है देश का, जिसकी जयंती सारे पार्टी के लोग मनाएंगे, एक एक व्यक्ति मनाएगा, इसमें कहीं से कोई सांठगांठ की बात दूर दूर तक नहीं है। अच्छा, एक आखिरी सवाल कि आप कल के, पर्सनल सवाल है ये कि आप कल के लिए कितने एक्साइटेड हैं, ये बताइए। हमारा तो बता दें, मैं खगड़िया जिला से ही हूँ, मेरा मायके भी अलौली है, तो इसलिए भी हमारा रिश्ता है श्रद्धे राम विलास पासवान जी से ही नहीं, बल्कि उनके पूरे परिवार से, पूरे फैमिली से मेरा व्यक्तिगत रिश्ता, आत्मीय रिश्ता है, इसलिए मेरा तो एक्साइटमेंट की बात ही मत पूछिए, क्योंकि अब ये देखिए, ये लोग पार्टी तोड़ने अलग बात है, लेकिन आज उनकी मृत्यु के बाद इनकी पहली जयंती है, इसलिए हम लोग इस कदर मनाएंगे
कि इस चीज़ को दुनिया देखेगी। अभी हमारे साथ मौजूद थी LGP की राष्ट्रीय महासचिव, जिन्होंने कल के विषय के बारे में बताया और पूरे पार्टी में कितना उत्साह है इस बारे में भी उन्होंने जिक्र किया। अब आगे कल क्या होता है इसे देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।